बिलासपुर के साथ सटे कोठीपुरा क्षेत्र में निर्माणाधीन एम्स अस्पताल में कार्यरत कर्मचारी के कोरोना पॉजिटिव आने के बाद ब्रह्मपुखर क्षेत्र में दहशत का माहौल है। मंगलवार शाम को आईजीएमसी शिमला से आई कोविड 19 सैंपल की रिपोर्ट में एम्स के 14 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। इन 14 लोगों में से 13 लोग बाहरी राज्य के मजदूर हैं, जो सभी एम्स साइट पर क्वारंटीन थे, परंतु एक व्यक्ति जो एम्स अस्पताल में सुरक्षा कर्मी के रूप में तैनात था, वह बिलासपुर जिला से संबंधित है और रोजाना ये व्यक्ति एम्स से अपनी ड्यूटी करके अपने घर आता था और घर से रोजाना एम्स में ड्यूटी करने के लिए जाता था। ये व्यक्ति क्वारंटीन नहीं हुआ था, जबकि सरकार के आदेशानुसार इसे साइट पर ही क्वारंटीन होना था। मंगलवार शाम को जब इस व्यक्ति की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव पाई गई, उसमें भी ये व्यक्ति अपने घर पर था। बताया जा रहा है कि इस व्यक्ति का मंगलवार को साप्ताहिक अवकाश था। मंगलवार को जब इसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई, उसमें भी ये व्यक्ति अपने घर में ही था। घर में ही व्यक्ति को इसके कोरोना पॉजिटिव आने की सूचना मिली, जिसके बाद ये अपने घर में एम्स साइट पर चला गया, जहां से इसे प्रशासन ने कोविड केयर सेंटर में शिफ्ट किया गया। गौरतलब है कि मंगलवार शाम को करीब 4:30 बजे इसके कोरोना पॉजिटिव आने की सूचना आ गई थी, परंतु बुधवार शाम तक 36 घंटे का समय बीत जाने के बाद भी प्रशासन व स्वास्थ्य विभाग की तरफ से इस क्षेत्र में कोई भी टीम नहीं पहुंची थी। क्या प्रशासन के पास इस व्यक्ति के बारे में जानकारी नहीं थी कि ये व्यक्ति अपने घर में रह रहा है, या फिर इसके बारे में एम्स प्रशासन ने जिला प्रशासन को इस व्यक्ति की ट्रैवल हिस्ट्री नहीं बताई, जबकि स्थानीय लोगों का कहना है कि ये ब्रह्मपुखर चौक में घूमा है और कई दुकानों में भी गया है। इसके अलावा एक दिन पूर्व ही ये युवक जुखाला की तरफ भी गया था, वहां भी इसने लोकमित्र केंद्र में अपना पैन कार्ड बनवाया। इसके अलावा भी ये बाजार में घूमा है। इस संदर्भ में जब कोई भी कर्मचारी यहां नहीं पहुंचा, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने इसकी शिकायत एसडीएम सदर से भी की, परंतु शिकायत करने के बावजूद भी इस क्षेत्र में कोई कर्मचारी नहीं पहुंचा, जिस बात को लेकर लोगों में काफी रोष है। स्थानीय लोगों का कहना है कि कोरोना महामारी के चलते सरकार ने जो दिशा निर्देश जारी किए हैं, उस हिसाब से तो प्रशासन को इस क्षेत्र में फौरन पहुंचाना चाहिए था, परंतु शिकायत करने के बावजूद भी प्रशासन की तरफ से कोई कार्यवाही अमल में नहीं लाई जा रही है, जो कि बहुत गलत है। उन्होंने कहा कि इस व्यक्ति के परिवार वाले समाज में खुले घूम रहे हैं, जिससे आगे कोरोना फैलने का खतरा बना हुआ है। प्रशासन को चाहिए था कि इस क्षेत्र में आकर जो जो व्यक्ति इसके संपर्क में आए हैं, उन्हें क्वारंटीन करते और मार्केट को भी सील करते, ताकि ये आगे ना फैलता। इस संदर्भ में जब हमने खंड चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर श्याम वर्मा से संपर्क किया, तो उन्होंने कहा कि उन्होंने टीम को आदेश कर दिए हैं, जल्द ही इस क्षेत्र में टीम पहुंच जाएगी और इस व्यक्ति के संपर्क में जो व्यक्ति आए हैं, उनका आंकड़ा तैयार करके उन सभी को होम क्वारंटीन कर दिया जाएगा। 6 दिन बाद इन सभी क्वारंटीन किए गए लोगों की सैंपलिंग की जाएगी। यदि आवश्यक हुआ तो इस स्थान पर बफर और कंटेनमेंट जोन भी बनाए जाएंगे। नहीं, हमने भी ये सुना है कि व्यक्ति पॉजिटिव आया है, वो एम्स में काम करता था, वो वहाँ पर जो भैया थे, जैसे वो पॉजिटिव थे, उनके साथ रहने के साथ शायद उसको पॉजिटिव होगा, लेकिन यहाँ पर प्रशासन की कोई कार्रवाई नहीं हुई। आज 3 दिन हो गए, प्रशासन का कोई यहाँ पर कोई आदेश नहीं है, कोई यहाँ पर प्रशासन का कोई व्यक्ति नहीं है, कोई भी इम्प्लाइज नहीं। कारोबार तो यहाँ पर थोड़ा ये चाहे कुछ भी है ना जी, लेकिन हमें ये शंका है कि कहीं और व्यक्ति ना कोई पॉजिटिव आ जाए, ताकि ये बहुत बड़ी घटना मतलब हो जाए। मैं यहाँ का लोकल निवासी हूँ। हमारे यहाँ ब्रह्मपुखर में जो 2 दिन पहले जो है एक लड़का जो है कोरोना पॉजिटिव पाया गया है, ठीक है, अब तक जो है उसके ऊपर प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की है। मैं यहाँ पर कोई प्रशासन का या हेल्थ का कोई टीम आई है, ताकि लोगों को समझाएं कि हाँ रिपोर्ट क्या है, ठीक है। लोग इस टाइम जो है यहाँ पर डरे हुए हैं, क्योंकि प्रशासन की तरफ से अभी ये भी कन्फर्म नहीं करवाया गया लोगों को कि हाँ उसकी रिपोर्ट क्या है, सैंपलिंग क्या है। लोग जो है इस टाइम बहुत डरे हुए हैं। जी, हम प्रशासन से मांग करते हैं, इतना टाइम के बाद भी ना आप कोई एक्शन ले रहे हैं, ठीक है। हम चाहते हैं कि प्रशासन यहाँ पे आए और कम से कम लोगों को एक बार तो इतना कन्फर्म करे कि हाँ हमारे लिए अगले क्या निर्देश हैं, ताकि हम लोग भी जो है इस खौफ के माहौल से जो है बाहर निकल सकें।